अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो पहला लेक्चर है उसमें हम क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है अब इन डिटेल पढ़ेंगे। कल मैंने आपको न्यूक्लियोसोम तक के बारे में बताया था। अनलाइक मोस्ट प्रोटीन्स विच हैव ओवरऑल नो नेगेटिव चार्ज, स्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू एन अबंडेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन। कल हमने बात की थी कि जो डीएनए है वो डबल कॉइल स्ट्रक्चर है और उसके एक टर्न में 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ लिपटे पड़े होते हैं और दोनों की सेग्रीगेशन को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि वो प्रोटीन जो कि डीएनए में पाई जाती हैं वो बेसिक जो है चार्ज ओवरऑल स्लाइट रखती हैं। वैसे तो अमूमन प्रोटीन्स होती हैं उनका ओवरऑल समटाइम्स नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें आर्जिनिन और लाइसिन नाम के दो अमीनो एसिड जो हैं वो अबंडेंट पाए जाते हैं। और एक रीज़न ये भी है क्योंकि डीएनए बजाते खुद न्यूक्लिक एसिड है, तो जहरी बात है कि उसका इसके साथ थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाएगा अगर प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। दस दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ द डीएनए। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को आपस में जोड़े रखने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा बनाया है कि जो प्रोटीन इसमें रख छोड़ी है वो बेसिक है और न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो द हिस्टोन कोर दैट एक्ट्स एज अ नेगेटिव मैग्नेट फॉर्म्स विच प्रोमोट्स एंड गाइड्स द कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स है जहाँ बजाय डीएनए के साथ डुप्लेक्स बनाती हैं न्यूक्लियोसोम और पूरी की पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जिसकी वजह से डीएनए बहुत अच्छे तरीके से कॉइल्ड अप हो जाता है। सो फर्दर कॉइलिंग अकर्स व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम रैप अप इनटू हायर ऑर्डर कॉइल्स कॉल्ड सुपर कॉइल। अब ये जो इनकी न्यूक्लियोसोम की एग्रीगेशन है ये मजीद एक और अगले लेवल पर जाकर कॉइलिंग हो जाती है जिसको हम कहते हैं सुपर कॉइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम में आपको दरमियान में सेंट्रल जो बॉडी नज़र आ रही है वो सेंट्रोमियर है और उसमें दो क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं। हमने क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा खोला और बड़ा करके देखा तो हमें पता चला कि उसमें इतने सारे सुपर कॉइल्स मौजूद हैं। इन सुपर कॉइल्स में से थोड़े से टुकड़े को खोल के देखा तो हमें मालूम हुआ कि इस तरह से कॉइलिंग हुई हुई है और ये सारा क्रोमेटिन मटीरियल है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए जो है वो मौजूद हैं। अगर हम इसका भी एक छोटा सा टुकड़ा खोल कर देखें तो उसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहेंगे और फिर इस फाइबर को खोल कर अगर आप देखें तो ये जो बॉल्स बनी हुई हैं ये बॉल्स क्या हैं, ये न्यूक्लियोसोम है। बॉल में जो बजाते हो खुद गोल दायरवी शक्ल है वो असल में हिस्टोन प्रोटीन है जिसे सेंट्रल हिस्टोन का नाम दिया गया है और उसके ऊपर जो रिबन की तरह लिपटा हुआ है उसे डीएनए कहते हैं जो कि हमारा विरासती मादा है। इस डीएनए में से हिस्टोन प्रोटीन को भी निकाल के सिर्फ थ्रेड को खोल दिया जाए तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें दो चेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हुई होती हैं, इसलिए डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या डुप्लेक्स भी बोलते हैं। तो डीएनए जो है वो हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है। डीएनए जो है उसमें क्रोमेटिन जब आ जाता है उसे एक अगला लेवल पे स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन में प्रोटीन्स भी शामिल होती हैं तो इसकी दो किस्में हमारे जिस्म में हमारे सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, एक को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और एक को कहते हैं यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये कंडेंस्ड पोर्शन होते हैं क्रोमेटिन के, सम ऑफ दीज पोर्शन रिमेन परमानेंटली कंडेंस्ड। ये इतने मुर्तकिज इतने थिक होते हैं कि बाज़ दफ़ा इनका डीएनए कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। डीएनए के एक्सप्रेशन देने से मतलब ये है कि उसके जो जीन्स होते हैं वो अपना काम सरंजाम नहीं देते और स्विच ऑफ यानी डॉर्मेंट से रहते हैं, जबकि जो बाकी का क्रोमोसोम का हिस्सा है वो अपना सारा काम सरंजाम देता है। उसमें मौजूद जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और वो जीन्स मखसूस किस्म के प्रोटीन्स को कैटलाइज करते हैं उनकी फॉर्मेशन को। तो इस एक्टिव हिस्से को जो कि सेल डिवीजन के दौरान नज़र आता है इसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। एट द टाइम यूक्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन एन ओपन कॉन्फिगरेशन एंड इट्स जीन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो यूक्रोमेटिन पर मौजूद जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मखसूस काम सर अंजाम देते हैं, हमारे मखसूस किरदारों को पैदा करते हैं जिसकी वजह से हमारे किरदार पैदा होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो तमाम फंक्शन जो है वो नॉर्मल से सर अंजाम देती है। सो द वे क्रोमेटिन इज पैकेज्ड व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग इज नॉट वेल अंडरस्टूड बियॉन्ड द लेवल ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड इट इज़ अ टॉपिक ऑफ इंटेंसिव रिसर्च। अब क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं तो उसकी मदद से ये पैकेजिंग कैसे हो रही है, न्यूक्लियोसोम कैसे मौजूद है, किस तरह की ये प्रोटीन्स हैं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हर लेवल पर जो है वो स्टडी किया जा रहा है और उम्मीद है कि आइंदा कुछ सालों में हमें इसकी साख्त के बारे में मज़ीद मालूमात जो है वो मिलती चली जाएंगी। अब हमने बात करनी है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी की जो कि पेपर में भी अक्सर आ जाती है, राइट डाउन द
क्रोमोसोम और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोम ही विरासत का जरिया है, इसके बारे में जो नज़रिया पेश किया था उसको जो है वो एक्सप्लेन करें। अ सेंट्रल रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी वॉज फर्स्ट सजेस्टेड इन 1900 बाई जर्मन जेनेटिसिस्ट कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस एक मशहूर जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले जेनेटिसिस्ट थे। जेनेटिसिस्ट उसको कहते हैं जो विरासत के कानून को, जेनेटिक्स को, बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसमें पढ़ता है। तो इन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडल के वर्क की। आप जानते हैं कि मेंडल ने विरासत के कानून दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और मेंडल की वफात के काफ़ी अरसे बाद उनके इस काम को सामने लाया गया था। बजाते खुद मेंडल ने अपना काम पब्लिश नहीं किया था, तो उसके बाद मालूम हुआ कि मेंडल ने जो काम किया है, विरासत के कानून जो एक्सप्लेन किए हैं वो बिल्कुल सही है और वो लागू होते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस क्रोमोसोम्स की देखकर, मियोसिस के बारे में जानकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो फॉर्मुलेट की गई। और उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट वॉल्टर सटन ने 1902 में भी इसके कुछ जो बातें थी उनको एक्सप्लेन किया। सेवरल पीसेज ऑफ एविडेंस सपोर्टेड सटन्स थ्योरी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जहरी बात है, साइंसदान जब नज़रिया पेश करते हैं तो वो तजर्बात से उसको साबित करने की कोशिश भी करते हैं, और हमें अपने आसपास से ही अपने तजर्बात के दौरान जो है अपने नज़रियात को प्रूव करने के ऐसे क्लूज़ भी मिल जाते हैं और ऐसी बातें भी मिल जाती हैं, ऐसी मिसालें भी मिल जाती हैं। वन वॉज द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली टू सेल्स, एग एंड स्पर्म। इफ़ मेंडल्स मॉडल वॉज करेक्ट, देन दीज टू गैमेट्स मस्ट मेक इक्वल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आप आज जानते हैं कि जब भी किसी नए जानदार ने पैदा होना होता है तो वो एग और स्पर्म के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनता है। अभी हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, और जो दोनों गैमेट सेल्स होते हैं वो मियोसिस के नतीजे में बनते हैं। अल्लाह ताला ने मियोसिस का निज़ाम इसलिए रख छोड़ा है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए पहले, क्योंकि जब दोनों सेल्स मिलाप करेंगे तो इनके नतीजे में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। अगर ये पहले ही डिप्लॉयड होंगे तो ये 2n और 2n मिलकर 4n बना देंगे, जो कि विरासत के कानून के ख़िलाफ़ है, जो कि फितरत और कुदरत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए एग और स्पर्म जो पैदा होते हैं, जो बनते हैं, वो मियोसिस के अमल से गुजरते हैं और दोनों ही आधा आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकर आते हैं। स्पर्म जो है उसका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म ने एग के साथ और स्पर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर मखसूस ऐसे मैसेंजर्स, ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने ग्रे क्रेसेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था। सो डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 कॉपीज़ रखते हैं और एक जोड़ा उनमें होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है। एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम का हर जो आप जितना भी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें आप देखेंगे कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो उनके 23 जोड़े होंगे, जैसे हमारी बॉडी में है। इसी तरह अगर किसी जानदार में 8 क्रोमोसोम है तो उसके 4 जोड़े होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिन पर लीनियर वे में सेम जो हैं जीन्स पाए जाते हैं, लेकिन अलील फ़र्क होते हैं। तो आपको पता है कि जीन मुख्तलिफ हैं।